4 साल का इसने यहाँ बर्थडे मनाया है, ठीक है ना। 5वें साल में ये चल रही है, ये बिना चड्डी बिना निक्कर के घूम रही है, दिख रहा है आपको? ये लाइव तक में दिख गया, ये पूरा कंफर्म, मैंने रिपीट कर करके वीडियो देखा है कि ये बात कंफर्म है। फिर मैंने कहा हाँ, ये बच्ची कब से इस तरह घूम रही होगी, ऐसे किस किस की गोद में जाके बैठ रही होगी ये। सचिन मीना की गोद में, अभी क्लिप में आपने देखा, स्टार्टिंग में पहले उसकी गोद में बैठी थी, है उसका दादा है, उसका छोटा भाई है, कौन कौन है घर में, इतने सारे आदमी है, बाहर भी है, घर से बाहर भी बच्चे जाते हैं, ये बिना चड्डी के बिना निक्कर के घूम रही है लड़की, है? इसकी माँ को इतना होश नहीं है, अपना मेकअप करने का होश है, इतनी बदतमीज। इस मैंने सोचा था कम से कम थोड़ी तो ममता इसके अंदर बची होगी, पर नहीं, ये चीज करके ना इसने और साबित कर दिया है कि ये एक अच्छी माँ तो बिल्कुल कहलाने लायक नहीं है। ये बच्चे हैदर भाई को ही मिलने चाहिए, जिस तरह ये बहुत खुश होती है ना, मेरे 16 लाख सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर है तो बेटा वही ठरकी सब्सक्राइबर है जो रात में आते तेरी नौटंकी देखने, जो तूने इस वीडियो में नौटंकी दिखाई है ना, वो तेरी यही नौटंकी देखने के लिए आते हैं। तेरे को ये होश नहीं है, तेरी बच्ची ने चड्डी पहनी है, नहीं पहनी है, वो घूम रही है ऐसे, है क्या नौटंकी है तेरी, क्या ड्रामा है तेरा, तेरा यहीं पे ये हाल है तो तू इनका क्या ध्यान रखती होगी पाकिस्तान में। अब तो हम पहले भी सपोर्ट था और अब भी फुल सपोर्ट है और डबल ट्रिपल सपोर्ट है हैदर भाई को, कि ये बच्चे उन्हीं को मिलने चाहिए, तुझे तो बिल्कुल इन्हें छूने तक नहीं देना चाहिए, तू माँ कहलाने लायक ही नहीं है। तेरे को होश नहीं है, तेरे बच्चे ने कपड़े पहने कि नहीं पहने, ऊपर से पहना दिए, नीचे से उसने कुछ नहीं पहना, वो ऐसी घूम रही है, कहीं भी लेट रही है, कहीं भी बैठ रही है। लोगों की नीयत का भरोसा है या 3-3 साल के बच्चों तक को लोग नहीं छोड़ते, ऐसी गंदी नीयत रहती है। और ये तो खुद सचिन मीना ने साबित कर दिया, ये 19 साल का होकर एक 40 साल की औरत के साथ आशिकी कर रहा है, तो इसका दिमाग और इसकी सोच हम देख चुके हैं कि इसे कैसी सोच और संस्कार मिले हुए हैं, कि एक 40 साल की औरत जिसे आंटी बोलना चाहिए उसके साथ ही आशिकी लड़ा रहा है, तो इसे और इसके भाइयों को क्या संस्कार मिले होंगे, उसी माहौल में तो पड़े पल रहे हैं ये। नहीं तो ये होता इसे कि नहीं आप मत करो, आप अगर परेशान हो तो मैं तुम्हें यहां से पैसे भेज देता हूँ, इतना ही दयावान बन रहा था तुझे सीमा हैदर, इतना है ना। तुम लोगों की सोच और फितरत वो साफ दिखाई देती है, ठीक है। और तेरे जैसी औरत के पास तो ये बच्चे बिल्कुल नहीं रहने चाहिए, तू इनका कर देगी भविष्य खराब। तुझे ये नहीं पता इन्होंने चड्डी पहनी है, बनियान पहनी है, तेरे को होश नहीं है, अपने बस लाइव में बैठ के गाने गाती रहेगी, हाथ बना बना के दिखाती रहेगी अपने आशिकों को कि हाँ वो तेरी लाइव में बने रहे। ड्रामेबाज औरत, बंद कर दे नौटंकी, बहुत हो गया तेरा, बच्चों पे ध्यान दे, बेशरम बेहुदी। चिन मीना तेरी पकड़ पकड़ सुन के तुम दोनों की ना दिमाग बहुत खराब हो चुका है, अब सच में पक चुके हम तुम लोगों से। तुम लोग ना बस जेल का रास्ता पकड़ो और कटोरा लेके वहां पे रोज वो पानी वाले दाल चावल खाओ। तुझे तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, तूने एक पाकिस्तानी महिला को हमारे भारत में एंट्री दिलवाई है और उसका फर्जी आधार कार्ड बनवाया तूने, बिना आधार कार्ड के वो भारत में एंट्री नहीं कर सकती थी, तेरी वजह से एंट्री करी है उसने हमारे भारत में, उसका तूने आधार कार्ड ऑलरेडी पहले से ही बनवा रखा था, ये षड्यंत्र रचाए तूने पहले ही, तो तुझे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और मिलेगी। ये जो आज मैं बोल रही हूँ ना, तुझे सजा मिलेगी, तूने एक गुनेगार को पनाह दी हमारे देश में और अपने घर में शरण दिए, और उसका साथ देने वाले और उसे शरण देने वाले सब जेल में जाएंगे, तू बस कुछ दिन रुक जा। बस कहते भगवान के घर में देर होती है, अंधेर कभी नहीं होती। जिस तरह ये चीज भी निकल के आ गई ना कि हम हमेशा बोलते थे ये बदतमीज औरत है, ये बदतमीज औरत है, और ये बदतमीज माँ भी है और गिरी हुई माँ भी है, ठीक है ना। वो चीज इसने आज साबित कर दी कि लाइव में लगी पड़ी है दांत फाड़ने के लिए, इसे ये होश नहीं है, इसकी लड़की ने चड्डी पहनी है, निक्कर पहनी है, नीचे से वो नंगी है, उसको कपड़े पहना दू, किस किस की गोद में बैठ रही है बेहया औरत। तेरे तो ऐसा मन करता है ना तेरे बालों को पकड़ के ना तुझे रगड़ दू सच में, और तेरी ये कल की रात की हरकत देख के ना और मेरे को तेरे ऊपर गुस्सा चढ़ गया है, तू इतनी बदतमीज औरत है ना बहुत ज्यादा। सबका नाम डुबोया है जब से तू पैदा हुई है ना, 13 साल की उम्र से जब से तूने होश संभाला है तूने सबको कलंकित किया है, बस किसी को इज्जत से नहीं रहने दिया, ना अपनी बहन को, ना माँ को, ना भाई को, ना बाप को, सबको कलंकित किया। और लास्ट में उस पति को जिसने तेरे को सांडनी बनाया, कमा कमा के खिलाया,
उस पति को भी तू बर्बाद करके आ गई, तूने सबको कलंकित किया है, तू अच्छी कहां से हो गई? कौन कह रहा है तुझे अच्छा? लेके तो आ उसे सामने जरा, और तेरे अंदर इतना दम है तो सामने आ, मैन टू मैन आ, लाइव में तेरे से पूछती हूँ, सवाल दे जवाब, हर सवाल का जवाब दे, तब मानूंगी तू सही बोल रही है। मेरा भाई और क्या चल रही है तेरी, नौटंकी सीमा इधर है, आदमी कम पड़ गए थे तेरे को, है इसे भी तूने गोद में चढ़ा लिया अपनी, उसकी पप्पी भी ले ले, वो ही कसर बाकी रह गई, यही सिखा बच्चों को, ये ड्रामा दिखाने आती है तू लाइव में बैठ के, है यही चरित्र दिखाने आती है, यही कितने अच्छे संस्कार तूने सीख रखे है ना, इन्हीं संस्कारों की बात कर रही थी अभी, कि जिसके जैसे सोच संस्कार हो गए वो वैसा ही होगा, तो वो दिखता है तेरी सोच कैसी है, तेरे संस्कार कैसे है ना, वो तू खुद दिखाती है, और तू तो थी ऐसी, तूने वो कहते हैं ना कि कीचड़ में पत्थर मारो तो छींटे तो आएंगे ही, तो वो ये भी कीचड़ में सन चुके हैं पूरी तरह, ठीक है, और इन्हें भी बहुत मजा आ रहा है, छींटे खा के कीचड़ में लिपट के इन्हें भी मजा आ रहा है, और ये अंजलि ये जिसके मुंह में आवाज नहीं होती थी, ये भी बहुत ड्रामे दिखाने लग गई है, हैं? जब देखो पाकिस्तान पाकिस्तान करती रहती है, पाकिस्तान वाले लो देख लो मेरी शक्ल, रो रहे थे मेरे बिना, है हाँ तेरे लिए मर रहे पाकिस्तान वाले, चली जा तू, ये आ गई इसे सीमा तो आ गई, तू इसे भेज दे वहां पर, तू ही तो करवाती है इसकी वीडियो कॉल पे बात करवाती है, ये पाकिस्तान किसी लड़के से, उसके बाद वहां से मैसेज आया कि वो लड़का अब रो रहा है परेशान हो रहा है, अंजलि की बात करवा दो उससे, झूठी मक्कार, कहती है मैं पाकिस्तान वालों से बात नहीं करती, रात रात को बात करती है फोन पे, झूठी औरत, बदतमीज औरत, बदतमीज माँ, गिरी हुई औरत, गिरी हुई पत्नी, गिरी हुई बेटी, कोई रिश्ता तूने नहीं संभाला, एक भी रिश्ता नहीं संभाला तूने, सारे रिश्ते तूने कर दिए।